श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 15 जुलाई यानी कि सोमवार का बहुत ही विशेष सा दिन। ये सोमवार विशेष क्यों है पता है? क्योंकि ये सावन से ठीक पहले पड़ने वाला सोमवार है। और अगर आप ये सोचते हो कि आपकी फैमिली, आपकी सात पीढ़ियां हमेशा खुश रहें, उन्हें कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, तो आज रात में एक सोमवती दीपक चुपचाप अपने घर पर जला देना, जिससे आपकी फैमिली तो खुश रहेगी रहेगी, साथ ही साथ आपके भी जीवन की जो तकलीफें होंगी वो सारी तकलीफें ख़त्म ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है ना, हम लोग बात करते हैं कि उस दीपक को हमें कहाँ पे जलाना है और कौन सा दीपक लगाना होगा। ठीक है ना, देखो स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा होगा, एक मिट्टी का दिया। तो आपको भी ऐसे ही मिट्टी का दिया लेना, ज़रूरी नहीं है कि मिट्टी का दिया नया हो, आप चाहो तो पुराना भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, दीपक लेना। मैंने हमेशा आपको कहा है कि जब भी आप दीपक सोमवार को लगाओगे तो कौन सा दिया लगाओगे, आपको घी का दिया लगाना चाहिए। ठीक है ना, तो आपको भी क्या करना है, इसके अंदर घी डालना। अब घी डालने के बाद में आपको इसमें लगाना होगा लंबी बत्ती का चौमुखी दिया। कैसे, एक बत्ती तो आप ऐसे बड़ा सा लगाओगे और दूसरी बत्ती फिर आपको ऐसे बड़ी सी लगानी है, जिस तरीके से ऐसे चार मुख इसके बन जाएंगे। अरे बनेंगे ना, तो फिर आप इस दीपक को उठाना, और उठाने के बाद में आपको लेना होगा 2 से 3 दूर्वा, जो हरी वाली दूर्वा आती है ना, उस हरी दूर्वा को लेंगे, 2 या 3 दूर्वा लेना, और फिर उसको लेके पहुंच जाएंगे कहाँ पे, आपको जाना होगा बेल पेड़ के नीचे। मैंने आपको बताया है सोमवार का दीपक अगर बेल पेड़ के नीचे हम लगाते हैं तो उसका बड़ा महत्व है, लेकिन मैंने आपको इस उपाय में क्या बताया है, दूर्वा। अब दूर्वा का क्या मतलब है, देखो जो सोमवार सावन से पहले आती है, अगर उस सोमवार के दिन हम दूर्वा पहले नीचे रख के, धरती माता के ऊपर दूर्वा रख करके और दूर्वा के ऊपर दीपक को रख करके चौमुखी दिया हम अपने घर के जो बेल का पेड़ होता है वहां पे लगा देते हैं किसी भी सोमवार के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, तो उनके घर में कभी कोई समस्याएं नहीं आ सकती, खासकर धन संपदा को लेकर के कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप कर्ज में डूबे जा रहे हो, बहुत परेशान चल रहे हो, तो आपकी वो परेशानियां भी हमेशा के लिए खत्म जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना, जब आप दीपक को जलाइएगा तो एक चीज़ का जरूर ध्यान रखेंगे, दीपक की चार की चारों बत्तियों को आपको जलाना है और महादेव का ध्यान जरूर करिएगा। किसका, हमारे भोलेनाथ का ध्यान आपको जरूर करना है, दीपक को प्रज्वलित करना। जब दीपक आपका ठंडा हो जाए फिर आप इस दूर्वा को उठाना। ठीक है ना, दूर्वा को उठा करके अपने घर में संभाल करके जहाँ पे भी रुपए पैसे गहने जेवरात रखते हो उस स्थान पे अगर रख दोगे तो कभी धन की कमी आपके घर में नहीं हो सकती। बहुत स्पेशल, बिल्कुल अलग सा नया सा उपाय था, तो आप सभी को ज़रूर करना चाहिए। ठीक है ना, तो पहले उपाय की तो हमने यहाँ पे बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा रुद्राक्ष के साथ में। ठीक है ना, आप कहोगे भैया इस उपाय को करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, कोई भी व्यक्ति आपके घर में अगर बीमारी से परेशान चल रहा है, घर पे ही करना है उपाय को, कहीं बाहर नहीं जाना आपको, बीमार है, जैसे मान लीजिए उसको शुगर है, बीपी है, डायबिटीज़, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारियाँ उसको, अब देखो शुगर डायबिटीज़ एक ही है बट ऐसे बोलने बोलने में निकल जाता है, तो कोई लोग जज मत करना मुझे। ठीक है ना, बीमार, तो आपको क्या करना होगा, कोई भी एक रुद्राक्ष ले लो। देखो एक चीज़ आपको यहाँ पे जानकारी दे दूँ कि मैंने अपनी खुद की एक शॉप खोल रखी है जिसमें बहुत सारे पूजा पाठ के सामान मिल रहे हैं, तो अगर आप लोग में से किसी को भी कुछ भी चाहिए ना, तो आप मुझे मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे, मैं आपको भेज दूंगा, बिल्कुल जेन्युइन रेट, सिर्फ डिलीवरी चार्ज आपसे लूंगा और कुछ भी नहीं लूंगा। ठीक, देखो क्या करना है, कोई भी एक रुद्राक्ष ले लो, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई भी एक रुद्राक्ष, एक मुखी, 2, 4, 5 जो भी हो, फिर एक तांबे का लोटा लो, उसके अंदर जल भरो। अब यहाँ पे खेल स्टार्ट होता है, क्या करिएगा, जो मैंने आपको रुद्राक्ष दिखाया, कोई भी एक रुद्राक्ष आपको क्या करना है, इस कलश के अंदर डाल देना। डालने के बाद में पूरी रात, सोमवार को शाम के टाइम पे डालना और पूरी सोमवार की रात ऐसे का ऐसा ही कलश में रुद्राक्ष को पड़ा रहने दो, है ना। अगले दिन सुबह जब सो करके उठो मंगलवार को, तो रुद्राक्ष को किसी चम्मच से निकाल करके फिर अपने घर में रख दो, है ना, और फिर आप इस जल को उठाना और उठाने के बाद में महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना और पूरा का पूरा जल सोमेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करोगे। कौन से महादेव, सोमेश्वर महादेव के नाम से पूरा का पूरा रुद्राक्ष का जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। अब यही जल बहता 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 जलाधारी से नीचे गिरेगा, इस जल को यहां से थोड़ा सा रोक लोगे, क्या करोगे, जल को रोक देंगे। रोकने के बाद में जो व्यक्ति अब आपके घर में बीमार चल रहा है, बहुत दिनों से परेशान है, उस बीमार व्यक्ति को इस जल का आचमन आपको अगर आप करा देते हैं, सिर्फ 3 सोमवार इस उपाय को करके देख लीजिएगा, उस व्यक्ति की जो बीमारियां होंगी, परेशानियां होंगी, कहां गायब हो जाएंगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। ठीक है ना,
करके ज़रूर देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है दूरवा से, वो भी अपने घर पे ही करना है। लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो भाई, समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। यहाँ पे आपको दूरवा दिख रही है, कितनी दूरवा लोगे, आपको 7 दूरवा लेनी है। पहले बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या होंगे, फ़ायदे क्या होने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको लड़ाई का बड़ा शौक है, ठीक है ना, कि मतलब हर छोटी बातों को लेके आपसे लड़ना ही लड़ना है, कुछ भी हो जाए बट लड़ाई करनी है, तो आपको 7 दूरवा लेनी है हरी वाली, ठीक है ना। दूरवा लेने के बाद में आपको मूंग के दानों को भी लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, आपको कुछ दाने मूंग के लेने होंगे। लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा। इस जल के अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना, ना तो दूरवा डालना, ना तो हरा मूंग डालना, और पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है इस उपाय को घर पे करो, मन है मंदिर में, सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे कभी भी करो, बट करिएगा ज़रूर। क्या करना है, सबसे पहला काम आपको करना होगा, जो दूरवा है उस दूरवा को मोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना, ठीक है ना। क्या करोगे, दूरवा को समर्पित करेंगे। अब इसी दूरवा के ऊपर जो आपके पास में एक तांबे के लोटे में जल है, वो आपको समर्पित करना है हाटकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से, हाटकेश्वर महादेव के नाम से वो जल दूरवा के ऊपर समर्पित करेंगे। जब आप जल चढ़ा चुके उसके बाद में दूरवा के ऊपर आपके पास में जो हरा मूंग मैंने आपको दिखाया, जो व्यक्ति आपके घर में लड़ाई करता, झगड़ा करता, क्रोध करता, पूरे घर को सर पे उठा के रखा है, तो उस व्यक्ति को का नाम और गोत्र बोल करके आपको उस मूंग के दाने को इसी स्थान पे समर्पित करना है दूरवा के ऊपर। करके देखिएगा, उस व्यक्ति की जो भी बीमारियां होंगी, या फिर जो भी तकलीफें होंगी, या फिर जो भी क्रोध करने की हैबिट होगी, वो सारी की सारी खत्म जरूर हो जाएगी, ठीक है ना। तीन हो गए, एक आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि इस वीडियो का चौथा उपाय है, करना सभी को इस उपाय को। बात करते हैं कि भैया इस उपाय के बेनिफिट क्या होंगे, फायदे क्या होंगे। इस उपाय का बस एक फायदा है, इच्छा अगर अधूरी रह जा रही है, बहुत दिनों से परेशान हो, वो विश पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक बेलपत्र लेनी है, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना, ठीक है ना। सिर्फ एक बेलपत्र लेना और एक तांबे का लोटा लेना, ठीक। तांबे के लोटे पे क्या करोगे, जल भरिएगा अपने घर से। अब तरीका समझते हैं, आपको अपने राइट हैंड पे, आपको अपने दाहिने हाथ पे, सीधे हाथ पे सबसे पहले बेलपत को रखना है। क्या करोगे, दाहिने हाथ पे सबसे पहले बेलपत को रखेंगे, और बेलपत्र को रखने के बाद में जो तांबे का लोटा होगा उसी बेलपत्र के ऊपर तांबे के लोटे को रखेंगे, ठीक है ना। और आपको अपने पूरे घर में सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे जितने भी रूम्स हों, जितने भी कमरे हों, उन सभी कमरों में लेकर के एक बार घूम लेना, ठीक है ना। जब घूमोगे तो कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान जरूर करेंगे, ठीक है ना। घूमने के बाद में आपके ही घर में जो महादेव का शिवलिंग हो, उनकी कोई फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, फेस रखिएगा उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। तरीका समझते हैं, सबसे पहले उस लोटे को जो आपके पास में है उसको बाएं हाथ में यानी उल्टे हाथ में पकड़ेंगे, और दाहिने हाथ से उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देंगे, ठीक है ना। बेलपत्र चढ़ा दिया, अब उसी बेलपत्र के ऊपर जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है, वो आपको अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। जब जल चढ़ाओगे, बेलपत्र से होता हुआ जल नीचे गिरेगा, इस जल को रोक करके उसी मंदिर के में खड़े होकर के, शिवलिंग के पास खड़े होकर के आपको अपने दोनों आँखों पर लगा लिया, तो आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामनाएँ होंगी, जो विशेष होंगी, वो शिव शंभु भोलेनाथ आपकी इच्छाओं को पूरा ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। देखो इस पूरी वीडियो में हमने बहुत सारे उपाय की बात की है, जरूरी नहीं होता है कि सारे उपाय आपको करने ही करने हैं। जैसे जो आपकी तकलीफें हों, आपके परिवार की हों, आपकी फैमिली की तकलीफें हों, उनमें से कोई भी उपाय आप कर लिया करो, ठीक है ना। तो कोशिश की है अच्छा समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है, नहीं समझ में है, बिल्कुल उसके लिए परेशान ना हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सबको रिप्लाई करने की। नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।